press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 1 अप्रैल 2023 से अगर आप कोई भी यूपीआई पेमेंट 2000 के ऊपर का करते हैं तो आपको 1.1% का टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक पोल किया था जहां मैंने लोगों से ये पूछा था कि भैया अगर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तो क्या आप तब भी यूपीआई पेमेंट करेंगे। तो करीब करीब 8% लोगों ने कहा कि हाँ, वो अगर इंटरेस्ट पे करना भी रहेगा, टैक्स पे करना भी रहेगा, तो भी वो यूपीआई पेमेंट ही करेंगे। बट 92% लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अगर ऐसा रहेगा तो हम अपना जो पेमेंट मोड है वो बदल देंगे, हम किसी और तरीके से पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो भैया देखो, सबसे पहली बात, मेरे हिसाब से जितने लोग जो 92% में आते हैं, मैं उनके सपोर्ट में हूं। भाई जहां पे आपको अननेसेसरी पे करना पड़ रहा है वो मोड ही चेंज कर दो यार, क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है, कोई दूसरे मोड से ट्रांसैक्शन कर लेते। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है एनपीसीआई की वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि 2000 के ऊपर का पेमेंट अगर आप करते हैं वॉलेट से, यानी कि जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, फोन पे का वॉलेट हो गया, अमेजोन का वॉलेट हो गया, मोबीक्विक, बहुत सारे हैं ऐसे वॉलेट, उनसे अगर आप पेमेंट करते हैं 2000 के ऊपर का तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप वॉलेट से पे नहीं कर रहे, जैसे आपका यूपीआई आपके बैंक से लिंक्ड है, तो आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप वॉलेट से पे कर भी रहे हो लेकिन आप किसी दूसरे आदमी को पे कर रहे हो, जैसे मैं आपको पे कर रहा हूं, आप मुझको पे कर रहे हो, तो भी कोई टैक्स पे नहीं करोगे आप, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, मतलब पर्सन टू पर्सन में भी कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तीसरी बात, जो टैक्स पे करेगा वो आप नहीं करोगे, मर्चेंट करेगा। यानी कि देखो क्या हुआ, या तो आप पैसा पर्सन टू पर्सन दोगे, आदमी से आदमी को दोगे, या आदमी से किसी मर्चेंट को दोगे, किसी दुकान पे आपने सामान खरीदा उसको पैसे दोगे। तो अगर आप किसी मर्चेंट को पे कर रहे हो वॉलेट से, बैंक से नहीं, यूपीआई बैंक से लिंक है उससे नहीं, वॉलेट से पे कर रहे हो, तो ये जो खर्चा है, ये जो चार्ज है, ये मर्चेंट से लिया जाएगा, आपसे नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात, सबसे अच्छी खबर है वो यही है कि किसी भी सूरत में कस्टमर से पैसा नहीं लिया जा रहा, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, मर्चेंट से लिया जाएगा, वो भी तब जब कस्टमर ने वॉलेट से पेमेंट किया हो, है ना। अगर कस्टमर अपने यूपीआई जो बैंक लिंक्ड है उससे कर रहा है तो कोई चार्जेस नहीं। ये किया गया है ताकि जो पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे, ये सारी कंपनियां, गूगल पे जितनी भी कंपनियां हैं, इनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो, तो इनके लिए अच्छी चीज है। अब वो कैसा है वो डिटेल में आपको किसी और दिन समझाऊंगा, समझ में आया। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात क्या है, देखिए, अगर मर्चेंट से पैसा मांगा जाएगा ना, तो मर्चेंट क्या करेगा, इंडिया है ना, आपसे बोलेगा साहब आपको पे करना रहेगा। तो मेक श्योर करें कि 1 अप्रैल से आप इस बात पे ध्यान दें कि आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं तो आप वॉलेट से पेमेंट ना करें, कोशिश करें कि आप बैंक से ही पेमेंट करें। सबसे पहली बात, वॉलेट से पेमेंट कर रहे हो 2000 के नीचे ही कीजिए, और वॉलेट के साथ साथ जो प्रीपेड कार्ड होते हैं, प्रीपेड कार्ड भी होते हैं ना, वो भी वॉलेट की कैटेगरी में ही आते हैं, तो इनसे आप पेमेंट करने से बचें 1 अप्रैल से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।